आम प्रवक्ता हमारे दाहिने श्रीमती ज्योति सिंह जी हैं, विजय यादव जी हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी हैं, रामविलास जी हैं, नंदलाल मांझी जी हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं और दीपक शर्मा जी हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि जो मीडिया कोर के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं, वो तमाम लोग ही जाकर के मीडिया से बातचीत करेंगे कि आज कोर ग्रुप की बैठक में निर्णय क्या लिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया कोर ग्रुप की बैठक में कि आज कोर ग्रुप ने ये तय किया है कि हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। स्पष्ट तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन का घटक दल के तौर पे अब काम नहीं करेगी। हमने बहुत कोशिशें कर ली, बहुत आरजू मिन्नतें कर ली और हमने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन बातों को कहा कि महागठबंधन में एक हफ्ते के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली जाएगी। आदरणीय पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने भी कहा कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिया जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता के इंतजार में मौका और मौका दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पता नहीं किस रवैये के कारण, किसके प्रेशर में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के जो अभी नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी, वो क्या निर्णय ले रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे नेता ने हमेशा से स्पष्ट तरीके से कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखने के लिए राजनीति में शुचिता के लिए जाने जाते रहे हैं और हमारे नेता भी इसी के लिए, क्योंकि पार्टी में भी लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करने वाले लोग हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस गठबंधन में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होगा वैसे गठबंधन में कहीं से रहना ठीक नहीं। और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी यही सुझाव कोर ग्रुप के बैठक में दिया कि किसी भी स्थिति में महागठबंधन में रहना अब कहीं से ठीक नहीं है। जब वो घटक दलों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो अगर सत्ता में आएंगे तो बिहार के आम आवाम के साथ कैसा न्याय करेंगे, ये अपने आप में इस चीज को बता रहा है। तो तमाम कोर ग्रुप के बैठक के जो हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर आज से महागठबंधन के घटक दल के तौर में शामिल नहीं रहेगी, हम महागठबंधन को छोड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हालांकि इसके लिए भी हमारे आज कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि जो भी आगे का डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ही लेंगे। वो जो फैसला लेते हैं पार्टी के कोर ग्रुप और पार्टी के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनको स्वीकार होगा। आगामी निर्णय के लिए श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया गया है, वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सर्वमान्य होगा। अगर मैंने स्पष्ट तरीके से कहा, विलय की तो दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है, जो कुछ निर्णय लेना होगा उसके लिए श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत किया गया है। और सुशांत सिंह के मामले पर पार्टी का स्टैंड, देखिए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले पे हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है। एक बिहारी सम्मान के लिए, बिहारी अस्मिता के लिए जो बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसके ऊपर में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सवालिया निशान खड़ा करती है तो बिहार की अस्मिता पर वो निशान माना जाएगा। हमारे पार्टी का स्पष्ट तरीके से राय रहा है और डे वन से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि सुशांत के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और हमने CBI जांच की मांग करी थी जिसको कोर्ट ने भी अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कुछ एक नेता किस तरीके से इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे बिहार के अस्मिता की बातचीत है, लेकिन आप अगर पुलिस के आला अधिकारियों पर ही सवालिया निशान खड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं से बिहारी अस्मिता पर सवाल माना जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें श्रेय किसी को लेने की जरूरत नहीं है। न्याय की बात थी, बिहार की अस्मिता की बातचीत थी और हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि इसके लिए बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के उन्होंने इंसाफ दिलाने का कोशिश करा है।